किराए से कमरा लेकर अवैध रूप से शराब छुपा रखी 127 देसी शराब की पेटियों को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं एक अन्य घर से लगभग 10 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है। दोनों ही शराब की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ब्लूमर कॉलोनी में लखन पटेल के मकान में देसी व अंग्रेजी शराब की पेटियां बड़ी मात्रा में रखी गई है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से 127 पेटी देसी और 10 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजकुमार के नाम से ये घर किराए से लिया था और शराब की तस्करी के लिए इसे गोडाउन के रूप में इस्तेमाल करते थे। फिलहाल मौके से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद कर ली है। आरोपी राजकुमार की तलाश की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई में मुख्तौर पे छिपरा थाने में बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 7-8 लाख रुपए की बड़ी शराब की एक अवैध उसकी बरामदगी हुई है। पुलिस लगातार ऑर्गेनाइज जो क्राइम है उनके खिलाफ लगातार सक्रिय है और पुलिस ने पेशे में अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में हथियारों के जखीरे को पकड़ा था, हथियारों के बड़े उसे बनाने वाले उपकरणों को भी पकड़ा था, साथ ही साथ ड्रग्स की बड़ी मात्रा को जो कहीं भी अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई थी उसकी भी एक बड़ी खेप को पकड़ा गया था और इसी कड़ी में इस अवैध शराब की लगभग 7-8 लाख रुपए की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस हर तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और लगातार इस मजबूती से काम करती रही। ये शराब कहाँ से लाई गई थी और कहाँ इसे खफाना था, इस मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा और इस अवैध शराब तस्कर गिरोह में कौन कौन से अन्य सदस्य हैं, इस मामले में जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।